बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अली जहांगीर सिद्दीकी की अमरीका में बतौर सफीर नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात मुस्तरद करके समाअत के लिए मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद शेख ने बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज लगाकर इसे नाकाबिले समाअत करार दे दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तमाम एतराजात मुस्तरद करके इसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद शेख ने बैरिस्टर जावेद इकबाल की दरखास्त पर समाअत की, जिस पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज लगाकर नाकाबिले समाअत करार दे दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने दरखास्त पर तमाम एतराजात मुस्तरद करके इसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर अली जहांगीर सदीकी को अमरीका में पाकिस्तानी सफीर तैनात किया गया। दरखास्त गुजार ने दावा किया कि अली जहांगीर सदीकी को अहदे के लिए सफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम भी लगाया है कि एक अहदे पर नामजदगी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अली जहांगीर सदीकी की अमरीका में सफीर की हैसियत से नामजदगी कालेदम करार दी जाए।